हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेनड्रॉप सेंसर का यूज़ करके हम आर्डिनो के साथ किसी भी एक्चुएटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसी भी एक्चुएटर का मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो आपको किसी लो पावर से लेके हाई पावर तक का कोई भी एक्चुएटर ऑन ऑफ कराना है। एक्चुएटर यानी कोई LED ऑन ऑफ करानी है, बजर ऑन ऑफ कराना है, या फिर AC सप्लाई पे बेस्ड किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कराना है, किसी बल्ब को ऑन ऑफ कराना है, तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखो, रेनड्रॉप सेंसर की जो वर्किंग है वो आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इसका आर्डिनो का कोड लिखेंगे कि ये किस तरीके से इसका कंप्लीट अरेंजमेंट बनेगा। कोड बनाकर हम इसका सर्किट बनाएंगे, देन इसकी हम टेस्टिंग करेंगे कि एक जो सेंसर है रेनड्रॉप सेंसर, उसके थ्रू किसी भी डिवाइस को कैसे ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं, इसका कोड कंप्लीट करते हैं, देन इसका सर्किट बनाएंगे। तो देखो, इसका कोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले हम आर्डिनो आईडी जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको ओपन कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो देखो, कोड के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आर्डिनो के साथ कितने इनपुट और आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है या फिर कनेक्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे पास इनपुट डिवाइस है एक तो सेंसर, और आउटपुट डिवाइस में हम रिले या फिर LED कनेक्ट कर सकते हैं। अब रिले और LED दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, कभी LED को ऑन ऑफ करके देखेंगे, उसी प्लेस पर हम रिले को भी चेक कर सकते हैं। तो हम एक टाइम में एक ही आउटपुट डिवाइस रखेंगे और एक ही इनपुट डिवाइस रखेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, पिन मोड। देखो, प्रोग्रामिंग अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो अलग से आर्डिनो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो सके। तो पिन नंबर 7 पे हम इनपुट यानी कि एक सेंसर को कनेक्ट करेंगे, एंड पिन नंबर 13 पे हम आउटपुट यानी कि किसी एक्चुएटर को कनेक्ट करेंगे। तो आप पिन नंबर कोई सा भी ले सकते हैं, 0 से लेके 13 तक किसी भी पिन को यूज़ कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ये बस। तो अब सबसे पहले डेटा को रीड करना होगा हमें, तो हम लिखेंगे डिजिटल रीड 7। तो पिन नंबर 7 पे जो डेटा होगा वो यहाँ पर रीड हो जाएगा। अब रीड होने के बाद में हमें कंडीशन चेक करनी है कि अगर जैसे मान लो कि ये रेनड्रॉप सेंसर है तो बारिश हो रही है तो किसी डिवाइस को ऑन कराना है, बारिश नहीं हो रही तो किसी डिवाइस को ऑफ कराना है, तो वो किस तरीके से होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा और उस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करना होगा, इसका टाइप बताना होगा। टाइप में क्या आएगा, इंट ए। इसका मतलब क्या है, ये 0 और 1 को इजीली स्टोर कर सकता है। इंटीजर वैल्यू होती है 0 और 1, और डिजिटल रीड 7 लिखने से हमें 7 नंबर पिन पे जो हाई और लो सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग 0 और 1 मिलेगा, तो उसको ये स्टोर कर लेगा। अब स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें कंडीशन चेक करेंगे कि अगर ए की वैल्यू 1 है, तो देखो जनरली ये जो सेंसर है जब इसके ये जो 1 वैल्यू देता है तब हम किसी डिवाइस को अगर ऑन करना चाहते हैं या फिर ऑफ करना चाहते हैं वो हम डायरेक्ट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं उसको। तो एक बार हम सिचुएशन क्रिएट करके देख लेते हैं, फिर अपन जैसा चाहे उसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो 1 है, तो ये 1 कब देता है, जब ये बिल्कुल ड्राई रहता है, जब बारिश नहीं हो रही होती है तब ये यहाँ पर 1 हमें सिग्नल देगा। तो इस केस में मान लो कि आपको मान लो कोई प्रोजेक्ट बनाना है कि जैसे बारिश आ रही है तो कोई डिवाइस ऑन हो जाए, जैसे कि मान लो कोई बजर ऑन हो जाए या फिर कोई LED ऑन हो जाए या फिर कोई भी अलर्ट सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए, या फिर जैसे मान लो कि हमारे रूफ में कई बार ऊपर ओपन एरिया रहता है उसको कवर करने के लिए हमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है कि जैसे ही बारिश आ जाए तो वो सिस्टम अपने आप कवर हो जाए, तो उसको ऑन कराना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब भी बारिश आ रही है तब किसी डिवाइस को ऑन करेंगे। तो जब बारिश आती है तो ये जो सेंसर है ये क्या करेगा, हमें सिग्नल जो देगा वो मिलेगा 0। तो हम क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर हम इसके अंदर लिख देंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब क्या होगा, जो पिन हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि पिन नंबर 13, वहाँ पर हम हाई सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि वहाँ पर लगा हुआ डिवाइस ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी डिवाइस लगा सकते हो जो सिंपली ऑन ऑफ हो सकता है। फिर उसके बाद में एक हमारी सिचुएशन बनती है एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक एक में 0 के अलावा और कुछ नंबर आया तो ये वाला आगे का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ए में 0 के अलावा और क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो जब 0 आएगा तो हाई सिग्नल हो जाएगा और
जब वन आएगा मतलब इसमें बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही है, तो उस केस में ये क्या करेगा, उस डिवाइस को ऑफ कर देगा, लो सिग्नल दे देगा। ठीक है, तो आर्डिनो को हम कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले एंड इसके अंदर कोड अपलोड करते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए हमें पोर्ट सेलेक्ट करना होगा एंड कोड अपलोड। तो कोड हमारा अपलोड हो चुका है, अब हम सर्किट बनाकर चेक करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो देखो, सर्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सेंसर है वहाँ पर हम तीन वायर कनेक्ट कर लेंगे, VCC, ग्राउंड एंड सिग्नल पिन। ये तीन वायर हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर जनरली आप चार कर सकते हैं। तो एक है एनालॉग सिग्नल के लिए, एनालॉग सिग्नल हम अभी यूज़ नहीं कर रहे, जब यूज़ करेंगे तब समझेंगे, अभी हमारा काम ओनली डिजिटल से हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेड वाली जो वायर है वो है VCC, उसको हम कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन के अंदर। एंड ब्राउन वाली जो वायर है वो है हमारी ग्राउंड पिन, तो आर्डिनो के ग्राउंड में इसको हम कनेक्ट कर देंगे, जो कि 5 वोल्ट के बिल्कुल पास में है। तो इसको हमने 5 वोल्ट सप्लाई दे दी है और ये ऑन हो गया है, और इससे जो सिग्नल मिल रहा है, तो सिग्नल यानी कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट हमारी कौन सी पिन है, पिन नंबर 7। तो 7 पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, 7 पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से जो भी सिग्नल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आगे का जो डेटा है वो अपडेट होता जाएगा। अब देखो, अभी हमें क्या करना है कि आउटपुट भी हमें चेक करना है, तो आउटपुट मिल रहा है हमें पिन नंबर 13 पे। तो आउटपुट चेक करने के लिए मैं ये LED यूज़ कर रहा हूँ, ये LED ऑन हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि बारिश आ रही है, और LED ऑफ हो जाएगी इसका मतलब बारिश नहीं आ रही। तो ये कैसे होगा, हमने दिया है पिन नंबर 13 पे हाई और लो सिग्नल। तो जैसे कि मान लो, अगर ये जो LED है इसका पॉजिटिव वाला लेग अगर मैं 13 नंबर पिन में कनेक्ट कर देता हूँ, मैंने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, एंड इसका जो छोटा वाला जो लेग था, नेगेटिव वाला लेग, इसके 13 नंबर पिन के पास ग्राउंड पिन है, उसमें कनेक्ट कर दिया। तो देखो, 13 नंबर पे हाई सिग्नल आएगा, तो LED के पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट करने से नेगेटिव मिल जाएगा, तो LED ऑन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पिन नंबर 13 पर लो सिग्नल आता है, तो दोनों तरफ लो सिग्नल हो गया, ग्राउंड भी क्या होता है, लो सिग्नल होता है, तो दोनों तरफ लो सिग्नल होगा, तो हमारी LED ऑन नहीं होगी। तो अभी LED हमारी ऑफ सिचुएशन में, क्योंकि ये जो सेंसर है ये बिल्कुल ड्राई है, इसके ऊपर बारिश की बूंदें नहीं है। तो अब हम यहाँ पर कुछ बारिश की या फिर कुछ पानी की बूंदें यहाँ पर गिराते, तो देखो जैसे ही पानी हमने यहाँ पर गिराया तो ये LED हमारी ऑन हो गई। इस पानी को एक बार अपन क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। तो देखो, जैसे ही हम इसको क्लीन कर देते हैं कम्प्लीटली, तो LED हमारी वापस ऑफ हो गई। फिर से अगर अपन यहाँ पर पानी गिराते तो देखो ये LED फिर से ऑन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस LED की जगह हम यहाँ पर एक थोड़ा सा ये जो मॉइस्चर रह गया, इसकी वजह से कई बार ये ऑन हो जाती है। तो जनरली आप जैसे इसको बार यूज़ करेंगे तो बारिश के बाद में भी बहुत देर तक ये सिग्नल देता रहेगा, बट अगर आप इसको किसी तरीके से क्लीन कर देंगे या फिर धूप से जब ये ड्राई हो जाएगा तो अपने आप सिग्नल देना बंद कर देगा। तो अब देखो, जिस तरीके से हमने LED ऑन की है, तो ऐसे लो पावर से चलने वाले किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बट मान लो आपको हाई पावर के डिवाइस को ऑन ऑफ करना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रिले यूज़ करेंगे। तो रिले को ऑन ऑफ कराने के लिए हम क्या करते हैं, रिले के भी कनेक्शन कर देते हैं आर्डिनो से। तो रिले को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 3 जम्पर केबल लगा देता हूँ, क्योंकि रिले में VCC एंड ग्राउंड, रिले को पावर सप्लाई देने के लिए कनेक्ट करना होता है हमें। तो इसकी जो ब्लू वाली वायर है वो है VCC एंड ग्रीन वाली वायर है ग्राउंड, तो इसको हम पावर सप्लाई देंगे। तो देखो, इसको पावर सप्लाई देने के लिए हमारे पास पिंस जो अवेलेबल है, ये भी नॉर्मली 5 वोल्ट पे ही चलती है रिले। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर वी इन पिन वैकेंट है, वी इन पिन पे कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो वी इन पिन पे क्या होता है कि जनरली हम आर्डिनो को जब पावर सप्लाई देते हैं तो वी इन पिन के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन अभी आर्डिनो को पावर मिल रही है इस केबल के थ्रू, हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू मिल रही है। तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई होती है वही पावर सप्लाई यहाँ पर कनेक्टेड होती है, मतलब इंटरनली ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ जो पावर सप्लाई मिल रही है वही यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें 5 वोल्ट मिलती है, तो वी इन से अपने आप 5 वोल्ट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, वी इन और उसके पास में ग्राउंड पिन है, तो यहाँ पर इसका VCC और ग्राउंड कनेक्ट कर दूंगा। VCC आएगा वी इन के अंदर एंड ग्राउंड पिन ग्राउंड के अंदर। तो ये कनेक्ट करते ही देखो, रिले की लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, इसका मतलब रिले को पावर मिल चुकी है। अब देखो, रिले को ऑन ऑफ कराना है हमें ऑटोमेटिकली, तो पिन नंबर 13 पे हम कनेक्ट कर देंगे। तो पिन नंबर 13 पे जैसे ही हाई और लो सिग्नल आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी रिले ऑन ऑफ हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये रिले यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, एंड इसका जो ये ग्रीन वाली LED है ये ऑन ऑफ होगी तब हमें पता चल जाएगा, और इससे साउंड भी जनरेट होती है।
तो मैं सेंसर पे कुछ पानी की बूंदे गिरा के चेक करता हूँ। ये देखो, जैसे हमने पानी की बूंदियाँ पर गिराई तो ये ग्रीन वाली एलईडी ऑफ हो गई। तो ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि रिले किसी डिवाइस को ऑफ कर देगा। रिले से जो ऑन ऑफ करना होता है वो जस्ट एक स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, जिससे आप इस साइड में मैनेज कर सकते हैं। इस साइड जो पावर सप्लाई का जो सर्किट बनेगा उससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं ऑन ऑफ के सिस्टम को। जैसे मान लो ऑपोजिट वर्क कर रहा है तो इधर मैनेज हो सकती है वो चीज़ें। तो रिले में आगे एसी डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये आप रिले वाले सेक्शन में समझ सकते हैं। तो जैसे हमने पानी डाला तो रिले उस अकॉर्डिंग ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।